स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है आज यानी कि दोस्तों आप सभी का 23 दिसंबर को, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों उसका हम लोग जो है आज के इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों आंसर की को मिला लीजिएगा और अभी तक वीकली टेस्ट नहीं दी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए जाइएगा। 40 में से 40 में दोस्तों आप सभी से कोई नहीं छीन सकता, पक्का होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों कंप्लीटली बने रहिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे जो कि 1 से लेकर 10 तक आपको पता है 10 MCQ प्रश्न है और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। सारा आंसर देखेंगे, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो 10 MCQ प्रश्न को देखते हैं जिसमें आपका 20 नंबर पक्का होने वाला है, ठीक है। तो देखिए जो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है वीकली टेस्ट में 23 दिसंबर को, क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है कि इफ ए सिस्टम इज इन थर्मल, ठीक है, इक्विबिलियम मैकेनिकल इक्विबिलियम एंड केमिकल इक्विबिलियम, ठीक है, सिमुलटेनसली देन इट इज सेड टू बी इन, यानी कहता है जब किसी निकाय में तापीय साम्य यांत्रिक साम्य एवं रासायनिक साम्य एक साथ बने होते हैं तब निकाय कहा जाता है। तो निकाय को दोस्तों थर्मोडाइनेमिक इक्विबिलियम कहते हैं, यानी कि हम लोग जो ऊष्मा गति की समय कहते साम्य कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है, डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडाइनेमिक स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मानदंड पदार्थ ऊष्मागतिकी अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। तो वर्क दोस्तों यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर। 3 नंबर आपसे पूछा गया है विच ऑफ देम एक्सप्रेस द फर्स्ट लॉ ऑफ ए थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट इनमें से कौन उसमें गति के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस है डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 4 नंबर आपसे पूछा गया है ए थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस विच ऑक्यूर ए कंस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, यानी कि वैसा प्रक्रम जो नियत ताप पर आधारित तो होता है उसे कहते हैं, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि समतापी प्रक्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो 5 नंबर की ओर क्या प्रश्न है, कहता है विच इज ट्रू ऑफ ए एडिबायोटिक प्रोसेस, यानी कि इनमें से कौन रुदोष्म प्रक्रम के लिए सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पी भी बराबर कॉन्स्टेंट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है विच ऑफ देम कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इनमें से कौन सा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऊर्जा को परिवर्तित कौन करता है, हीट इंजन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, उष्मा में परिवर्तित करता है कौन, ऑप्शन नंबर ऊर्जा में परिवर्तित कर यानी कि हीट इंजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन गलत दिया, ठीक है, यानी ऊर्जा में परिवर्तित करता है हीट इंजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर कहता है हाउ मेनी स्टेप आर देयर इन ए कैरोट हीट इंजन इन 1 सर्किल, कारणों के ऊष्मा इंजन में कितने चरण होते हैं, तो टोटल 4 चरण होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है एन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एंड एट कंस्टेंट प्रेशर द ऑफ्रैक्शन ऑफ ए हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीज द इंटरनल, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए गैस, तो दोस्तों इसका फाइनली जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 9 नंबर कहता है कि ए गैसियस मिक्सर ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ए ऑक्सीजन द रेशियो ऑफ ए सीपी एंड सीबी ऑफ ए मिक्सचर इज, तो इसका जो मिक्सचर हो जाएगा दोस्तों ये आपका 1.59 हो जाएगा, यानी कि एक गैसीय मिश्रण में 16 ग्राम ऑक्सीजन तथा 16 ग्राम हीलियम में से हीलियम है, तो दोनों मिश्रण के लिए सीपी और सीपी का अनुपात होगा 1.59, ठीक है। चलिए एमसीक्यू दोस्तों लास्ट प्रश्न यहाँ पहुँच के 20 नंबर पक्का दोस्तों। चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। कहता है मोलिकुलर स्पेसिफाई हीट है कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर ए डाई एटोमिक इज, ठीक है, गैस इज,
द्वि परमाणु गैस के नियत दाब पर मोलर विशिष्ट पर ऊष्मा होता है तो 60/2 R होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11 का है जो आपका फिजिक्स का क्या देखें तो आंसर की को देखें। सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, जरूर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।